दिल्ली से बोर्ड एग्जाम पर बैठक के बाद मनीष सिसोदिया की मांग है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्र से कहा है कि पहले छात्रों को टीका लगे, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम करवाए जाने चाहिए। तो मनीष सिसोदिया ने ये मांग रखी है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टीका लगाने से पहले बोर्ड परीक्षा कराना बड़ी गलती साबित हो सकती है, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया ने केंद्र से मांग की है कि पहले सभी बच्चों को टीका लगाया जाए और उसके बाद बोर्ड एग्जाम किए जाए। तो ये बैठक जो चल रही थी बोर्ड एग्जाम पर, उसमें ये फैसला लिया गया है। ये मांग मनीष सिसोदिया ने रखी है। पहले उन्होंने कहा कि पहले सभी बच्चों को टीका लगाया जाना चाहिए और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए। अगर टीका लगाने से पहले बोर्ड की परीक्षा की तो ये काफी बड़ी गलती साबित हो सकती है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की भी सिफारिश की गई है। परीक्षाओं की नहीं है बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी है बात, यूनिवर्सिटी के आगे के एग्जामिनेशन की भी है, अगला सेमेस्टर शुरू होने की भी है कि फिर बच्चे परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे देंगे, नीट की जेई की परीक्षाएं कैसे देंगे। तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है, और विदेशों में भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध है जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कारगर प्रूव की जा चुकी है, घोषित की जा चुकी है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए, लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है। वैसी वैक्सीन दुनिया में अभी फाइजर वैक्सीन का नाम आया है अमेरिका में। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।